नहीं गाइज, अगर आपके पास भी Vivo T1X मोबाइल है और आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें OTG कनेक्ट करने में, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर जो OTG को कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर OTG कनेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर गाइज आपको जब भी आप OTG लगाते हो तो यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम OTG यहाँ पर लगा लेते हैं और OTG लगाने के बाद गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज जैसे हमने OTG लगा लिया तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर कुछ भी अभी ऑप्शन नहीं आया हुआ है, यानी कि OTG का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे कर सकते हो। इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ऊपर सर्च बार में सर्च कर देना है आपको OTG। जैसे आप सर्च करेंगे OTG तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा OTG का। तो यहाँ पर आपको OTG पर क्लिक करना है और OTG पर क्लिक करने के बाद ये देखिए OTG का ऑप्शन है, इसको इनेबल करना है। इसको इनेबल करते ही गाइस आपके पास जो OTG का ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको OTG जो कनेक्ट है वो दिखने लग जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही OTG में पहुँच जाओगे। और देखिए यहाँ पर हम OTG में आ चुके हैं, यानी कि फाइल में आ चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ मेरा 32 GB का पेन ड्राइव लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 32 GB शो करने लग गया है। इस पर क्लिक करके आप जो है इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप OTG की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो।